नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। नीमच जिले में पिछले कई दिनों से जिले में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है, कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। शनिवार को भी जिले के सभी 6 तहसीलों में बारिश हल्की से तेज बारिश हुई थी। सभी छोटे बड़े नदी नालों में पानी की आवक हो रही है, मगर जिले के सभी प्रमुख डैम हरकिया खाल, रैतम, बैराज, शिवाजी सागर, हमीरिया, चम्बलेश्वर, मोरवन आदि में पानी की दरकार है। वहीं बारिश के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, इससे लोगों को अब गर्मी व उमस से राहत मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान था, जो कि बादल छा रहे हैं मौसम में। वहीं गरज चमक के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन द्वारा बताया गया है कि मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर से सीधी होकर जा रही है, जो आगे लो प्रेशर एरिया में मर्ज हो रही है। बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर भी एक्टिव है, आने वाले दिनों में यह आगे बढ़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश से जैसे ही यह गुजरेगा, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर बनेगा। एक अन्य ट्रफ लाइन भी है, जिसकी एक्टिविटी 31 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से प्रदेश में फिर भारी बारिश होगी। वहीं जो है 29-30 जुलाई को तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। वहीं मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई तक पिछले 24 घंटे में जिले के तीनों विकासखंड में 45.66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिले में अब तक 439.66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गत वर्ष 28 जुलाई को 468.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। वहीं शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जिले के आसमान पर बादल जो है छाए रहेंगे। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।